जय गणेश एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाइब्रेंट गन्नू। तो हम क्रिएट करते हैं कंटेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, फैमिली ब्लॉग एंड फूड एंड मच मोर। तो ये प्यारी प्यारी सुबह में आपका स्वागत है हमारे इस वाले ब्लॉग में। आप देखेंगे महाबलेश्वर पार्ट टू, ठंडी लग रहा है गाइस, महाबलेश्वर पार्ट टू। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप को सुनाई दे रहा है बर्ड्स का चीपिंग साउंड, टू पीस। ये देखो इधर सन है ना, तो ऊपर मून है, ये देख रहा है ये मून। पार्किंग एरिया, गाइस देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल और ये यहाँ के नज़ारे। ये नीचे जो दिख रहा है वो स्ट्रॉबेरी गार्डन है। ये जितने भी आपको खेती बाड़ी जैसा दिख रहा है पूरा स्ट्रॉबेरी गार्डन है। और ये आजू बाजू सब विलास। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ से देखिए आपको सिडनी पॉइंट, टेबल लैंड पॉइंट, गणपति मंदिर, वाई किंग चेयर, वी विल्सन पॉइंट, लॉर्ड के सारे पॉइंट्स दिए यहाँ पे। और वो लोग का यहाँ पे स्विमिंग पूल ही है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पहना है कॉर्डसन। अभी दोनों बाप बेटे रेडी होंगे। तो अभी धूप अच्छी लग रही है, मॉर्निंग में तो इतनी ठंडी हवा लग रही है, सच में बोलो ना बॉम्बे में धूप से कंटालते हैं, इधर धूप अच्छी लग रही है। आने दो धूप, ऐसा है धूप आने दो। और आपको सुबह भी मैंने दिखाया व्यू को, जितनी नज़ारे देखूँ ना उतना कम है। और सामने ना ये वाला रोड है, यहाँ से हम जाते हैं यहाँ से। ये आपको बाइक दिखेगी कि नहीं, डोंट नो। ये एग्जैक्ट बोर्ड है ना उसके इधर, और यहाँ पे भी दूसरा रिसोर्ट कुछ है। इट्स अमेजिंग गाइस, धूप इतना अच्छा लग रहा है सच में। ब्रेकफास्ट का इंतजार, टी चाय मिले तो काम हो, नो चाय नो का नो फीलिंग, वेटिंग फॉर टी, चाय 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 चाय। भूख लग, 2000 years later। तो गाइस डे टू में हमारी सवारी निकल पड़ी है, हम सब हो गए रेडी। ये रहा हीरो, हम सब लोग जा रहे हैं अभी, देखेंगे प्लान नहीं किया, जाते रहेंगे और प्लान करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया कि जाएंगे प्रतापगढ़, हिस्टोरिकल प्लेस है और हितार्थ को देखना भी है, तो वो हम लोग देखने जाएंगे। तो गाइस ये देखिए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हिल भी हुए, ये साइड आपको दिखेगा अभी। तो ये मेलोर ही आ गया, जैसे जैसे हम लोग महाबलेश्वर की ओर जाएंगे ना
वैसे वैसे अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट होटल सब दिखने को मिलेंगी। हम लोग फर्स्ट टाइम पंचगिनी में रुके, पहले हम लोग 3 बार महाबलेश्वर में ही रुके हैं, सो वी आर गोइंग अहेड। अभी हम एंटर कर रहे हैं महाबलेश्वर, ये आ गया महाबलेश्वर, राइट साइड विल्सन पॉइंट। गाइस ये आ गया बस स्टैंड महाबलेश्वर का, ये बस स्टैंड है महाबलेश्वर का बस डेपो। आगे मुंबई पॉइंट मगर इधर ही किधर हम आए थे। आगे से लेफ्ट लेंगे ना तो लगभग ड्रीम होटल आएगा, तो वहां पे हम लोग रुके थे पहले लास्ट टाइम। ये देखो एकदम ग्रीनरी, मैं ब्लॉग में इसलिए एलिफेंट हेड पॉइंट इधर है। हाँ एलिफेंट हेड पॉइंट उधर है, और हम बोलते हैं ना कि ग्रीनरी ग्रीनरी, ये तो विदाउट मानसून ग्रीनरी है। देखो इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चलेगा अगर मानसून में आएंगे तो कितना मजा आएगा। अब मानसून में आना अगर आपको जो एचएस होता है ना, डू कम ऑन मानसून एंड दिस एरो एंजॉयिंग नहीं ओके। और ये हमारे सैंटा क्लॉज हाँ ने। तो गाइस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे डायरेक्टर व्यू से, आप मुझे बताना कैसे लग रहा है ये व्यू, कैसा लग रहा है आप मुझे बताना ज़रूर, तो हमें भी पता चलेगा। और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। गाइस देखो छाँव भरी जगह ये छाँव भरी डगर इस कहते घूमते रहो महाबलेश्वर घूमते रहो। एक्चुअली गाइस आप इधर आके फील करोगे ना तो ही समझेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू और मैं अभी भी गाइस वाटरफॉल, बहुत छोटा वाटरफॉल भी है यहाँ पे। अम्बनेड़ी धबधबा है गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं प्रतापगढ़ प्रवेश द्वार, ये रोड है प्रतापगढ़ का। देखो प्रतापगढ़ दिख रहा है गाइस आपको, ये बॉर्डर दिख रही है, ये फोर्ट की बॉर्डर है और ये ट्रेडिशनल विलेज से हस्तकला। गाइस हम लोग अभी पार्क करके वॉक कर रहे हैं प्रतापगढ़ के लिए। आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं, देखो आओ जी जल्दी जल्दी भाई, मैं कहा है ना भाई आना पड़ेगा गाड़ी पर रात को, रात में अपन गाड़ी। फ्रेंड्स बहुत ही रश था क्योंकि पार्किंग ऊपर है, लेकिन कार का पॉसिबल ही नहीं था ऊपर तक लेके आने के लिए, इसलिए हमने बहुत दूर पार करके चलते चलते हुए
ऊपर गए थे, थोड़ी ट्रैक हो गई, और ये है व्यू प्रतापगढ़ का नीचे से। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये प्रतापगढ़। यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ ऊपर जाना था, और यहाँ ऊपर जाके यहाँ पर साइड में शॉप थी, वहाँ पे मैं बैठ गई और ये बाप बेटे ऊपर प्रतापगढ़ देखने गए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार प्रतापगढ़ देखा हुआ था। सतारा ज़िले में प्रतापगढ़ स्थित है और ये ज़मीन से 3,500 फीट की ऊंचाई पर है। और प्रतापगढ़ किला का निर्माण मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में किया था, और इसके 3 साल बाद बिलासपुर में के सेनापति अफजल खान और शिवाजी के बीच में यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी। नका जाऊ राजा, तुमचं बरं वाईट झालं, आमचं काय होईल, स्वराज्याचं काय होईल, आणि कसं जगणारे राजे आम्ही, राजे नका जाऊ। आणि तुम्हाला माहिती आहे ज्यांनी पाऊ, यह किला महाबलेश्वर हिल स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये एक बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार है, उसकी वजह से बहुत सारे जनों को वॉमिटिंग हो सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रधानमंत्री मोरेपन त्र्यंबक पिंगले को नीरा और कोयना नदियों के किनारे की रक्षा करने और पार दर की रक्षा करने के लिए इस किले का निर्माण का काम सौंपा था, और ये 1656 में बनकर तैयार हुआ था। लड़ाई इस किले के प्राचीर के नीचे लड़ी गई थी। यहाँ से बंदूक रख के नीचे मारते थे। ये पूरा वॉल है। ये किला किन्नेश्वर गांव के बीच सड़क पर स्थित एक पहाड़ी पर बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान को मार डाला था, और एक बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है, अपने बच्चों को जरूर से दिखाइए। प्रतापगढ़ क्षेत्रीय राजनीति में शामिल रहा। पुणे के एक प्रसिद्ध मंत्री सखाराम बापू बोकिल को उनके प्रतिद्वंदी नाना फडणीस ने 1778 में प्रतापगढ़ में बंदी बना लिया था। बाद में उन्हें रायगढ़ में मरने तक एक किले से दूसरे किले में ले जाया गया। यह है घंटी, हैंड घंटी। यहाँ पे गेहूं, राइस वो सब डालते, ये जो वहाँ पे लकड़ी का डंडा रहता था है ना, ऐसा पूरा घुमाते थे उसको, है ना, उसमें से लोट निकलता था आटा। 1796 में नाना फडणीस ने दौलतराव शिंदे और उनके मंत्री बलोबा की साजिशों से बचते हुए महाड़ जाने से पहले प्रतापगढ़ में एक मजबूत सेना इकट्ठा की, और 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के हिस्से के रूप में प्रतापगढ़ को ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। गाइस यहाँ पे देखिए पार्किंग एरिया है, नीचे आपको पूरा रोड दिख रहा है, देखो। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम पर नियमित बस सेवा प्रदान करता है, और यहाँ छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और हस्तशिल्प की दुकानें भी हैं। कई स्कूल किले की शैक्षणिक यात्रा को भी आयोजन करते हैं, और किले क्षेत्र में कई ट्रैकिंग मार्ग पर भी है। किले में शिवाजी महाराज की एक बड़ी कांस्य घुड़सवार प्रतिमा है। इसका अनावरण 30 नवंबर 1957 को भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा कुंभरोसी गांव के किले तक एक सड़क का निर्माण किया गया था। 1960 में किले के अंदर एक गेस्ट हाउस और एक छोटा पार्क बनाया गया है। किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का तुलजा भवानी मंदिर है, और इस देवी भवानी माँ की मूर्ति है जिसके 8 हाथ है, तो आप दर्शन जरूर करना। गाइस गोंडे तड़ाव, जब बारिश गिरता है यहाँ पे हिल पे तो पूरा पानी नीचे आके यहाँ पे पूरा भर जाता है, यानी वॉल के लेवल तक पूरा पानी भर जाता है, फिर ओवरफ्लो हो जाता है। श्री भवानी माता मंदिर
जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। केदारेश्वर मंदिर कैसे को लिंक कितना बड़ा है। गाइस भवानी टेंपल राजा ने कदा चलू था जियो जा जो काकू तो ये रस्तो है बेटा चोर दरवाजा अच्छा हम जी के बदला बचवारो भागी जाए पची जे ओलू थई जाए भाल्या दे पची पाछा आवे हैं। गाइस ये प्रतापगढ़ का लास्ट पॉइंट शिवाजी महाराज की मूर्ति देखिए आप। जय भवानी, जय शिवाजी। चला चला छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक साहसी योद्धा होने के साथ ही एक देशभक्त थे। मुगलों को परास्त करने के लिए उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। १९ फरवरी 1630 में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन काल में मुगलों से युद्ध करते रहे और उनका लक्ष्य अपने राष्ट्र को मुगलों के चुंगुल से बचाना और मजबूत बनाना था। धन्य है वो माता, जीजा माता, जिन्होंने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। एक होता गाव महाराष्ट्र त्यांचा नाव आणि स्वराज्य ज्यांचे गडवले शिवराय त्यांचा नाव राजाना तिवार मानाचा मुजरा जय जिजाऊ जय शिवराय। गाइस हम लोग प्रतापगढ़ नीचे आ चुके हैं 121 और स्टेप्स हुए है कुछ 1500 यहाँ पे आगे झाड़ गिर गया है ये देखो यहाँ पे फुल जाम हो गया है झाड़ गिर गया बच गए लोग शायद अगर आपको दिखता रहेगा तो ये देखो गाइस ये झाड़ ऐसा टेढ़ा गिर गया है पूरा गाइस ये देखो झाड़ गिरा हुआ है इधर कोने लागू सो ऊपर से पड़ी हुई ये देखो गाइस गाइस अभी हम जा रहे हैं लॉडविक पॉइंट। बोलो बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम 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 भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले